नहीं थी, तब मुझे ऐसा लगा कि मेरी सारी खतरे में, पानी खतरे में और इकोलॉजी खतरे में, तो मैंने उसको स्टॉप कर दिया 94 से। फिर कंटिन्यू अभी तक ये पूरी टोटल नेचुरल फार्मिंग चल रही है, तो नेचुरल फार्मिंग में नेचर मेरा गुरु हो गया। उसने मुझे इतिहास में ले गया, इवोल्यूशन ऑफ नेचर में ले गया, कि कभी नेचर में जब इसका निर्माण हुआ था तो कभी किसी प्रकार का दवा का और जहर का इस्तेमाल नहीं था, या किसी केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं था, ठीक है। उसके बाद में जब उसकी जरूरत नहीं है तो मैंने मेरे खेत में, फिर वो गुरु के नॉलेज से मैंने कोई दवा 2007 के बाद जब धीरे धीरे पूरा नॉलेज मिलने लगा कि नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है हमें, तो मैंने दवा का इस्तेमाल पूरा बंद कर दिया, किसी भी पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं करता मैं। लेकिन वंडर रिजल्ट हर क्रॉप के है, मेरी अपेक्षा से भी मुझे ज्यादा इसमें पैदावार मिल रही है। सेकंड, मुझे उसने बताया कि फर्टिलाइजर नेचर से इतना अवेलेबल है तुमको कि वो फर्टिलाइजर के भरोसे ही तुम बहुत कुछ है। तो मैंने जो 75 से 94 तक जो खेती की उसमें मैंने मेरा पूरा फर्टिलिटी का सिस्टम पूरा कोलैप्स कर दिया, मैंने पूरे जीव जंतुओं को समाप्त कर दिया। तो मुझे ये समझ में आया कि फर्टिलाइजर को हम अपने नॉलेज से अगर हम एग्रीकल्चर करते हैं तो जगह पे ही हम बहुत बड़ा फर्टिलाइजर तैयार कर सकते हैं। थर्ड, हम पानी के मामले में पूरे देश में 80% एरिया डार्क जोन में गया है, तो ये थ्रू नेचुरल फार्मिंग ही से ही होगा, ये किसी केमिकल फार्मिंग से नहीं होगा। तो नेचुरल फार्मिंग से हम खेत का पानी खेत में 100% रोक सकते हैं। तो नेचर ने मुख्य मुझे फिर ये एग्रीकल्चर का नॉलेज देते समय मुझे एवोल्यूशन ऑफ नेचर में लेके गया कि क्या है एवोल्यूशन ऑफ नेचर, वहां से हमको एग्रीकल्चर सीखना है। एग्रीकल्चर सीखने के लिए क्या है सूर्य शक्ति और उसका रिलेशन कैसे है पृथ्वी से, तो ये इम्पोर्टेंट है कि सूर्य शक्ति का रिलेशन हमको समझ में आना चाहिए, उसका नाम है एग्रीकल्चर। अब मैं थोड़ा सा क्या है एग्रीकल्चर ये मैं उसके लिए थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा 5 मिनट में आपके पास, शायद मेरे 5 ही मिनट हो, 50 मिनट ना हो। तो देखिए, एक हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, कोई ना मानते हो तो ना माने, एक सुपर पावर ब्रह्मांड में है, उसके मन में यह आया कि एक ग्रह ऐसा बनाए कि जिसमें जीवन भरा जाए, तो उसने एक ग्रह का, क्योंकि इससे हम एग्रीकल्चर को समझ रहे हैं, इसीलिए मैं थोड़ा एग्रीकल्चर इससे सीखा है कि यही इसका नाम ही एग्रीकल्चर है। तो ब्रह्मांड में एक ऐसा ख्याल आया सुपर पावर को कि एक ऐसा ग्रह बनाया जाए जिसमें जीवन हो, जीवन के लिए जो प्रक्रिया चली वो करोड़ों साल तक चलते रही, उसके बाद में जीवन तैयार हुआ। अब वो जीवन तैयार करने के लिए सूर्य शक्ति के बिना जीवन नहीं होता था, इसलिए तो आज से 400 करोड़ साल पहले, आगे पीछे हो सकता है थोड़ा बहुत, ये पृथ्वी का निर्माण हुआ। अब ये इसका निर्माण जो हुआ वो 400 करोड़ साल पहले, इसके बाद में उसने, हम बचपने में पत्थर पे पत्थर रख के चेंडू से मार के ऐसे लगोरी खेलते थे, तो वैसे स्टेजेस में पृथ्वी का निर्माण किया उसने, एक एक स्टेज लाया। तो फर्स्ट स्टेज में उसने मिट्टी पानी को बनाया, मिट्टी और पानी, आप जरूर इसको चेक कीजिए, जहां तक मेरे नॉलेज से ये इसका निर्माण 60 करोड़ साल पहले हुआ, 60 करोड़ साल पहले। अब ये इसके, ये सूर्य है, हमारा बोर्ड छोटा है, सूर्य पृथ्वी से बड़ा है, लेकिन एज एग्जांपल के लिए मैं इसको छोटा बनाता हूँ सूर्य को, तो सूर्य से पृथ्वी, ये सूर्य की किरणें बैलेंस में इस पे आके गिरेगी तो यहाँ पे जीवन निर्माण होगा। अब वो जीवन निर्माण करने के लिए सूर्य को निश्चित अंतर पे, तो फर्स्ट अंतर निर्माण हुआ तो उसको इसमें से माइनस कर दिया जाए तो 340 करोड़ साल उसको लगे ये दो सिस्टम समझने के लिए सुपर पावर को, और हम मिनटों में इसको देखते देखते बर्बाद कर दिए, मिट्टी को भी और पानी को भी, उसको करोड़ों साल लगे। फिर ये सूर्य की शक्ति इसके ऊपर आके गिरी तो पानी का बाष्पीभवन हुआ, लेकिन उसको बहा के ले जाने वाला कोई सिस्टम नहीं तो मिट्टी तक नहीं पहुंचा। अब जब मिट्टी तक नहीं पहुंचा तो जीवन नहीं होगा। अब इसके लिए फिर उसने 55 करोड़ साल पहले 55 करोड़ साल पहले फिर सेकंड स्टोन का स्टेज, सेकंड स्टेज तैयार किया। अब यहाँ पे सेकंड स्टेज में उसने पौध लगाए, वृक्ष और वनस्पति, थोड़ा
तो यहाँ पे फिर तैयार हुआ ऑक्सीजन, मैं ऐसे ऑक्स लेता हूँ, ऑक्सीजन का निर्माण हुआ। अब ये स्टेज, लेकिन कुछ सालों बाद ये कोलैप्स होने लगे वनस्पति और ये, तब यहां से रियल एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई। अब ये कोलैप्स होने लगे तो सुपर पावर की चिंता हो गई कि ये अगर नष्ट हो गए तो सारा सिस्टम ही नहीं बनेगा आगे का। तो फिर ये क्यों कोलैप्स हो रहा है उसको समझ में आ गया, इसको पानी भी मिल रहा है और मिट्टी भी मिल रही है, लेकिन इसको भोजन नहीं मिल रहा है यहां से। तो उसमें थर्ड स्टेज में भोजन का निर्माण हुआ पृथ्वी के ऊपर, और वो थर्ड स्टेज में फिर भोजन के निर्माण के लिए बहुत सुंदर साइंस तैयार किया उसने। फर्स्ट स्टेज में उसने पशु लाया पृथ्वी के ऊपर, ये इसका निर्माण हुआ 50 करोड़ साल पहले। मैं अंगूठा छापूं, मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता, लेकिन मैंने नॉलेज से उसको समझा कि 50 करोड़ साल पहले इसका निर्माण हुआ। आप जरूर चेक कीजिए नेट के ऊपर कि ये रियल स्टोरी है या ऐसा, इसमें थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है लेकिन रियल स्टोरी यही है। फिर इसको भोजन नहीं मिला तो इसके भोजन के लिए उसने सबसे पहले स्टेज में पशु तैयार किया। बहुत नॉलेजेबल है, सुपर पावर है वो, तो उसका नॉलेज का तो कोई वो नहीं है। उसको ये लगा कि ये पशु निर्माण हो जाएगा तो इनको भोजन मिलने लगेगा। अब उसने फिर एक साइकिल बना दिया इसमें से साइकिल। अब मिट्टी पे पानी गिरा, पानी गिरा तो वनस्पति पैदा हुई, वनस्पति ये पशु को खाने के लिए बोला कि आपका भोजन वनस्पति। अब बढ़िया साइंस यहाँ से डेवलप हो गया भोजन का यार। अब ये पशु ने फिर वनस्पति खाया और वनस्पति खाके उसने ड्रॉपिंग किया, वो ड्रॉपिंग में सिस्टम ऐसा बनाया नेचर ने कि उसमें जीव जीवाणु जो कोई अर्थवर्म है सब है, इनका निर्माण करने की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई। वो ड्रॉपिंग में से हुआ, वो नेचर में ऐसे नहीं डेवलप हुआ, वो उसके ड्रॉपिंग में से हुआ। तो पशु का अनन्य साधारण महत्व है, हर पशु के ड्रॉपिंग में वो सिस्टम है कि उसमें जीव जीवाणु तैयार होते हैं। इस तरह से पशुओं का एक बैलेंस। फिर विचार था अगर सब ये वेजिटेरियन हो गए तो ये पूरी वनस्पति कोलैप्स हो जाएगी, तो इसमें बैलेंस बना है उसने 20-80 का कि 20% मांसाहारी और 80% शाकाहारी, तो ये बैलेंस इसने तैयार किया ही है। अब ये 20-80 में जब तैयार हुआ तो ये बैलेंस में रहने लगे और इन्होंने खाके ड्रॉपिंग डालना स्टार्ट किया। उससे क्या हुआ, नेक्स्ट सिस्टम स्टार्ट हुआ जीव जंतु का। अब ये जीव जंतु में उसे कोई स्प्रे नहीं करना था, कोई स्प्रे नहीं करना था, तो इसका बैलेंस बनाया उसने, इसमें ठीक उसका उल्टा किया, इसमें 75 मांसाहारी बनाए नॉन वेजिटेरियन और 25% सिर्फ वेजिटेरियन किया कि तुम ये वनस्पति को खाओ और तुम्हारे बॉडी से बाकी जो कुछ 13 घटक लगते हैं 3-13 वो सब इसमें से पैदा हो तुम्हारे इनके बॉडी में से। फिर वो उसके लिए, इसके लिए ये तैयार करने का रीजन वो था 25, मैं आगे उसका एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये जीव जंतु तैयार हुए, ये जीव जंतु 25 को खाने लगे, 75 एक में को खाने लगे। इस तरह से एक बहुत बड़े पैमाने पे इसके ड्रॉपिंग में से इनका निर्माण हुआ। अब वो उनकी डेथ बॉडी जब जमीन में मिलने लगी तो सॉइल की फर्टिलिटी कंटिन्यू कितना, अब हमने इसका सब चेक किया तो नियर अबाउट 1 एकड़ में करोड़ों उसमें सब प्रकार के जीव जंतु आ गए जो मेरे खेत में है। तो वो करोड़ों जीवों की डेथ बॉडी पर डे सॉइल में मिल रही है खाद के रूप में, फर्टिलिटी के रूप में, और एक चक्र चलाने का काम ये जीव जंतु कर रहे हैं। अब ये जीव जंतु चक्र चलाने का काम कर रहे हैं तो अब इसका चक्र कैसे चलता है, तो इसमें के 25 को बोला कि तुम वनस्पति खाओ, वनस्पति ने न्यूट्रिशन लिया मिट्टी से, उसने मिट्टी से न्यूट्रिशन लेके वनस्पति में डाला, वनस्पति को ये जीव जंतुओं में समाविष्ट कर दिया, ये जीव जंतु एक में को खाने लगे, तो यहाँ का न्यूट्रिशन वो चक्र में डेवलप होते होते इसके बॉडी में आ गया। अब इसके बॉडी में से जमीन के ऊपर फैलाने के लिए उसने एक सिस्टम और तैयार किया, वो है बर्ड्स, पक्षियों का निर्माण किया। तो पक्षियों की तरफ जिम्मेदारी ये दी कि इनको शाकाहारी को भी और मांसाहारी को दोनों को तुमको खाना है और तुम्हारा ड्रॉपिंग जमीन पे डालना है। तो मेरे खेत में हजारों की तादाद है इनकी, पर डे 365 डेज उनका ड्रॉपिंग मेरे खेत में गिरते रहता है। इसी का नाम है फर्टाइल बनाना सॉइल को, इसी की डेथ बॉडी का नाम है फर्टाइल बनाना।
इसी के ड्रॉपिंग से हम एग्रीकल्चर का यूज करते हैं तो इसको जमीन को फर्टाइल बनाते हैं। इस तरह से ये पूरा एक में एक पर डिपेंडेड है। लेकिन अब चौथा स्टोन फिर वो सुपर पावर के मन में आया कि तीनों स्टोन को प्रोटेक्ट करने के लिए इसमें से एक पशु बुद्धिमान है जिसको बोलना आता है, तो उसने एक पशु को उसमें से बाहर किया और उसको डेवलप करते करते उसके तरफ ये जिम्मेदारी दी कि तुम ये तीनों को प्रोटेक्ट करना है, तीनों स्टोन को। उसका नाम था मानव। मानव को वो सुपर पावर ने जिम्मेदारी दी कि ये तीनों को प्रोटेक्ट करना है। ये बेटा इतना मूर्ख निकला, न तो इसे रहने देना चाहता है, न इसे रहने देना चाहता है, न इसे रहने देना चाहता है। अब वो सुपर पावर को क्रोध आएगा और वो उसके ऊपर पत्थर मारेगा, ये स्टोन के ऊपर, तो सबसे पहला पत्थर यही नीचे गिरेगा। अब इसमें से हमको एग्रीकल्चर समझना है। तो ये मुख्य ये निर्जीव है और ये सजीव है, तीन उसी ये सजीव है। अब निर्जीव और सजीव का कॉम्बिनेशन मीन्स एग्रीकल्चर। अब सजीव की जरूरत क्या है, सजीव की जरूरत निर्जीव है, निर्जीव की जरूरत सजीव है, ये है उसका कॉम्बिनेशन। अब इम्पोर्टेंट ये है कि सजीवों की जो जरूरत है उसी का नाम एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर साइंस। सजीवों की जरूरत, पहला भोजन फूड, सेकंड वाटर पानी, और थर्ड हवा। जिस चक्र से आदमी का भोजन नहीं तो नेचर के जितने भी सजीव हैं उनकी भोजन की साइकिल बनाने का नाम है एग्रीकल्चर। पानी का हर बूंद ये ग्राउंड वाटर में कन्वर्ट होने का सिस्टम का नाम है एग्रीकल्चर। ऑक्सीजन पैदा करने का नाम है एग्रीकल्चर। तो ये तीन का नाम है एग्रीकल्चर। अब इसका नाम है एग्रीकल्चर, ये है कृषि। इसका अर्थ, ये कृषि का शब्द आज से नहीं है, आप इसको चेक कीजिए, कृष्ण काल से कृषि बोलते हैं इसको, क्योंकि उन लोगों ने समझ लिया था जो ऋषियों जैसा काम होता है उसको कृषि कहते हैं। अभी आज तो व्यापार हमारे से जुड़ गया है, आज वो कृषि नहीं रहेगी। अंग्रेजी में इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एग्रीकल्चर। अच्छा, यानी मैं अच्छे कल्चर के लिए एग्री हूँ। तो ये शब्द का उच्चारण बनाते समय स्पेलिंग मिस्टेक हो गई उनसे, उन्होंने एजीआरआई कर दिया। एजीआरआई नहीं होना, ये AGRII होना, एग्रीकल्चर। अभी के कंडीशन में हमको इस तरफ जाना है कि एग्रीकल्चर के रियल में एग्रीकल्चर कर रहा हूँ और एग्रीकल्चर की तरफ जाने का मेरा पूरा मानस है, तभी ये नेचर बचेगा, तभी यह सृष्टि बचेगी। तो ये कृषि में से फिर होता है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र इसको हम बोलते हैं कि GDP हमारी कहाँ जा रही है, उस हिसाब से हम उसका आकलन करते हैं। नहीं, ये बात नहीं है। ये स्टोन को प्रोटेक्ट करने का नाम है अर्थशास्त्र। ये प्रोटेक्ट होना यानी रियल अर्थशास्त्र है। अरे सुन ला, करे बस दोन मिनट दे तो अभी पाय काढून पाय। तो अर्थशास्त्र में यानी महत्व का शास्त्र, महत्व का शास्त्र अर्थशास्त्र, यानी महत्व का शास्त्र। क्यों, इनको प्रोटेक्ट करना यानी महत्व का काम है। तो अर्थशास्त्र की रियल परिभाषा यह है कि वो, अब अर्थशास्त्र इसको अंग्रेजी में हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स। मनी मिक्स बोलता है क्या कोई इसको, इकोनॉमिक्स बोलते हैं हम लोग। यानी इको पहले लगा है, नॉमिक्स बाद में लगा है। तो अर्थशास्त्र को हमने उस समय समझा था कि इसको प्रोटेक्ट करना यानी अर्थशास्त्र है, इसको प्रोटेक्ट करना यानी इकोनॉमिक्स है। तो ये इकोनॉमिक्स से बाद में बनता है मुद्रा शास्त्र, कि इसके जो प्रोडक्ट है उसके सहारे विनिमय के जो साधन होंगे वो मुद्रा शास्त्र। फाइल को इतने खतरनाक हालात में ले गया है कि इसका ऑर्गेनिक कार्बन 0.4 है। अभी सर ने 2-3 साल पहले यहाँ का ऑर्गेनिक कार्बन चेक किया था, तो जस्ट खेत लेके 3 साल हुए थे, 0.4 से 1.8 तक ऑर्गेनिक कार्बन यहाँ का पहुंच गया था, यानी 3 साल में। अब 3 साल में इतना पहुंच गया है तो अच्छी फसल के लिए 0.7 चाहिए। तो हम लोगों ने वो मिट्टी को खत्म कर दिया। वो मिट्टी को हमारे लिए चैलेंज है कि ये मिट्टी पैदा करना चैलेंज, क्योंकि जब वो ऑर्गेनिक कार्बन पैदा हो जाता है तो इसका मतलब वहां जीव जंतु अपने आप पैदा हो रहे हैं। वो जीव जंतु से फिर पानी का बैलेंस बनता है, वो पानी ग्राउंड वाटर में। तो पहले हमने सॉइल का प्रॉब्लम तैयार कर दिया। सबसे बड़ा पहला प्रॉब्लम है हमारा सॉइल का।
कि ये सॉइल की फर्टिलिटी हमने खत्म कर दी है। अब इससे होता क्या है, किसान कभी जिंदा नहीं रहेगा। अब इससे ये हुआ कि ये खत्म होने से वो केमिकल फर्टिलाइजर का यूज करता है, फिर उसके ऊपर दुनिया भर के रोग आते हैं, फिर दुनिया भर का उसके ऊपर खर्चा लगता है। तो मास में हमने मोनोक्रॉपिंग भी सीख लिया है, तो मोनोक्रॉपिंग के वजह से सॉइल फर्टिलिटी के वजह से वो खर्चे बढ़ रहे हैं, जो पैदावार निकालते हैं उसकी कीमत नहीं होती। ऐसे इसमें पूरा देश के किसान कर्जे में चले गए ये मिट्टी की वजह से। तो ये मिट्टी जिस दिन बन जाएगी वो स्टैंड होना सीख जाएगा धीरे धीरे। तो पहला प्रॉब्लम हमारा इसकी ड्राई लैंड एरिया बहुत है एग्रीकल्चर में, उसके अनुरूप साइंस डेवलप नहीं हुआ। सिर्फ आप केमिकल फर्टिलाइजर यूज करो और जहर मारो आपका यहाँ फसल हो जाएगी, ये ही नॉलेज दिया गया है। तो लेकिन धीरे धीरे अनबैलेंस हो गया नेचर में पानी का। अब उसके वजह से ये हुआ कि हमारे यहाँ का वाटर कंडीशन जो है ये 80% एरिया डार्क जोन में चले गया हमारा। अब जब 80% एरिया डार्क जोन में चले गया तो पीने का पानी भी मुश्किल हो जाएगा आने वाले कल में। तो हमको ये पानी को समझ के एग्रीकल्चर करना पड़ेगा। ये तो सब प्रॉब्लम हमने क्रिएट किए। तीसरा सीड, ये सीड का प्रॉब्लम, हमने सीड के साइज को नहीं समझा कि सीड कैसे पैदा होता है। तो सीड ये नेचर ने इसको जिम्मा दिया था जीव जंतुओं को, जैसे चींटियां है, मकोड़े है, हनी बी है, ये सब मिलके, बर्ड्स है, ये सब मिलके क्रॉस पॉलिनेशन से बेहतर सीड बनाते हैं। उसके क्रॉस पॉलिनेशन के बिना उसमें क्वालिटी नहीं आती, तो हमने क्वालिटी गंवा दी सीड की। आज हम बोलते हैं कि सीड का हमने प्रोग्राम लिया, लेकिन आपके खेत में अगर हनी भी नहीं है, जीव जंतु नहीं है, तो आपका क्वालिटी का सीड नहीं बनेगा। तो सीड के साइंस को हमको समझना पड़ेगा कि हम अच्छे सीड कैसे पैदा कर सकेंगे। वो तभी जब इकोलॉजी पैदा होगी हमारे यहाँ, तब अच्छे सीड बनेंगे। तो तीसरा, ये तीनों इम्पोर्टेंट बेसिक किसान के, और ये तीनों खतरे में है। इसके वजह से आने वाले कल में पूरी सृष्टि खतरे में है, सारे सजीव खतरे में, ये तीनों नष्ट होने से। ये तीनों सारे सजीवों को जिंदा रखते हैं और उनके साइकिलें चलती है। इस तरह से ये तीन बड़े प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम हमने क्रिएट करने के बाद फिर ग्लोबल वार्मिंग चौथा प्रॉब्लम हमने क्रिएट कर दिया इनके नष्ट होने की वजह से। उसका सॉल्यूशन हमको अब ये चौथा प्रॉब्लम जो है वो मैं ग्लोबल वार्मिंग शॉर्ट में लिखता हूँ। ये ग्लोबल वार्मिंग चौथा प्रॉब्लम हमने क्रिएट कर दिया ये तीन को नष्ट होने से। अब इसका इफेक्ट ये हो रहा है कि पूरे एग्रीकल्चर पे अनबैलेंस हो गया है, पानी का वितरण नहीं है। ऐसे इसमें सबसे ज्यादा मौत किसकी हो रही है, तो किसान की हो रही है। तो इससे बचने का सॉल्यूशन हमको ये चारों को प्रोटेक्ट करने के लिए उसका सॉल्यूशन पैदा करना पड़ेगा। वो सॉल्यूशन पैदा करने में हमने पांच फैक्टर को इम्पोर्टेंट दिया है। वो पांच फैक्टर के थ्रू हम उसका सॉल्यूशन पैदा कर सकते हैं। तो अब हम सॉल्यूशन पे 5-10 मिनट में जाते हैं। समाधान यानी सॉल्यूशन। फर्स्ट सॉल्यूशन, हमको सॉइल साइंस समझना पड़ेगा, मिट्टी। सेकंड, हमको पानी का साइंस समझना पड़ेगा, इसका यूटिलाइजेशन कैसे करना है, इसका सेव कैसा करना है, वो पूरे साइंस को हमको समझना पड़ेगा। थर्ड, हमको बीज का साइंस समझना पड़ेगा, सीड साइंस समझना पड़ेगा। चौथा, हमको क्रॉप रोटेशन समझना पड़ेगा, यानी फसल चक्र कहेंगे इसको, फसल चक्र। अब ये फसल चक्र ड्राई लैंड फार्मिंग में कैसा होना चाहिए, हमको इरिगेटेड लैंड में कैसा होना चाहिए, इजी फार्मिंग कैसे हो, उसके कई पैरामीटर हमको चेंज करने पड़ेंगे। क्योंकि आज किसान को हमको जरूरत है इजी फार्मिंग देने की, उसको अगर हमने कोई कॉम्प्लिकेट दे दिया तो वो जल्दी डाइवर्ट नहीं होगा। तो इजी फार्मिंग कैसे होगी, वैसे फसल चक्र बनाना पड़ेगा। लेकिन हमने वैसे फसल चक्र बना के ये समझा है, रियली वंडर है, हम उसको इजी तरीके से भी कर सकते हैं और ये फसल चक्र में से हम सॉइल फर्टिलिटी को भी बढ़ा सकते हैं। तो ये फसल चक्र में से सॉइल फर्टिलिटी, वाटर कंजर्वेशन और यील्ड, ये तीनों भी एक साथ हम इसको पैदा कर सकते हैं फसल के रोटेशन में। और पांचवा है श्रम शास्त्र, ये कैसे होगा। तो इसके तीन प्रिंसिपल है श्रम शास्त्र, यानी आप जो लेबर डील विथ लेबर, हाँ डील विथ लेबर। तो ये लेबर कौन है, ये लेबर अभी हमने थोड़ा सा हमने गलत समझ लिया। लेबर यानी आदमी, आदमी नहीं, मैं यहाँ जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो लेबर जमीन के जीव जंतु है, बर्ड्स है, ट्रीज है, काउज है, तो ये सारे हमारे लेबर है। ये सब लेबर मिलके जब काम करेंगे तो रियल डेवलपमेंट होगा, तो रियल डेवलपमेंट होगा सारे सजीवों के मेहनत करने से।
आदमी के मेहनत करने से काम नहीं बनेगा, तो सबको मेहनत करने की जरूरत है। इस तरह से रियल डेवलपमेंट है। लेबर शास्त्र जो है वो लेबर की व्याख्या में सारे सजीव आ गए। ये जब जिंदा रहेंगे तो इनसे काम ले सकेंगे हम। हम खतरनाक जहर मार के इनको तो समाप्त करते रहे, न तो बर्ड्स को जिंदा रहने रहे, न पशुओं को जिंदा रहने रहे, न जीव जंतुओं को जिंदा, तो इनसे काम लेंगे कैसे? इसलिए इनका मेहनत करना जब ही होगा जब हम इनको प्रोटेक्ट करेंगे। इसके लिए तीन प्रिंसिपल है। पहले सिद्धांत, इसके तीन सिद्धांत है। पहला, हमको इसका नॉलेज होना चाहिए। सेकंड, हमको प्लानिंग करते आना चाहिए, योजना। और तीसरा, हमको श्रम का सिस्टम समझना पड़ेगा। तो इसके ये तीन प्रिंसिपल है। ये तीन प्रिंसिपल के सहारे हम तेजी से जा सकते हैं आगे। अब मैं एक एक के कुछ कुछ पॉइंट्स आपको सिर्फ यहाँ लिखता नहीं, मैं बोलता हूँ सिर्फ, बाद में हम घूम के समय उसको देखेंगे। मिट्टी, हमने इसको साइंस को समझा। इसका साइंस सिर्फ चार बातों के ऊपर डिपेंड करता है। वो चार बातों को अगर हमने समझ के एग्रीकल्चर किया तो उसके वंडरफुल रिजल्ट है। पहला पशुपालन, पशुपालन करके फिर उसको इजी तरीका कैसे हो पशुपालन का, वो पशुपालन से फिर हमको जो ड्रॉपिंग मिलता है वो ड्रॉपिंग को फिर वैल्यूएटेड कैसे कर सकते हैं। तो पशुपालन को जो हमको ड्रॉपिंग मिला उसको फिर हमने वैल्यूएटेड किया, उससे जो फर्टिलाइजर बनाया उसका वंडरफुल रिजल्ट हमको हर चीज के मिल रहे हैं। सेकंड, हमको सॉइल साइंस में ट्रीज को समझना पड़ेगा कि एग्रीकल्चर में हम पेड़ों को जोड़े बिना हमारा फॉर्म प्रोटेक्ट होगा ही नहीं। तो हमको ट्रीज का महत्व, की ट्रीज के सहारे हम अपने खेत का प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। यानी अब इसका ये आ गया कि पेड़ के वजह से उपज कम नहीं होती, पेड़ के वजह से पैदावार ज्यादा होती है। तो हमने इसके पेड़ों के साइंस को समझ लिया, तो पेड़ों का प्लानिंग किया कि पूरे खेत में, जैसे खेत आज 2011 में खेत को हमने परचेस किया था, 2011 में देखते देखते आप आज इसमें 17 एकड़ में 100 पेड़ लगा दिए, जो कल बड़े बड़े पेड़ होंगे, पूरी इकोलॉजी यहाँ पैदा हो जाएगी। जो इवोल्यूशन ऑफ नेचर का पार्ट है वो हमने यहाँ पे रोल किया। दूसरा, पेड़ों का बेनिफिट क्या है ये हम चलते चलते चर्चा करेंगे। अब पेड़ बढ़ गए तो धीरे धीरे हमारे यहाँ नंबर ऑफ बर्ड्स बढ़ गए। नंबर ऑफ बर्ड्स बढ़ने के बाद हमको ऐसा लगा कि अब हमको कोई स्प्रे करने की जरूरत नहीं है, टोटली प्रोटेक्शन इनके थ्रू हो रहा है। इस तरह से हम लोगों ने तीसरा पॉइंट बर्ड्स, अब बर्ड्स ने दो काम किया, जो इंसेक्ट है उनको खाने का भी काम किया और वो इंसेक्ट को खाके उसने ड्रॉपिंग किया। तो ये पूरी एक साइकिल है। जमीन का न्यूट्रिशन पेड़ में आया, पेड़ का इंसेक्ट में आया, इंसेक्ट को बर्ड्स ने खाया, बर्ड्स ने उसको रिसाइकल करके ड्रॉपिंग के रूप में नीचे डाला। ऐसी हजारों साइकिल है नेचर में। वो हजारों साइकिल को प्लानिंग से, हमको प्लानिंग से समझना पड़ेगा कि ये साइकिल को ऐसे ऐसे डेवलप करते हैं तो रियल एग्रीकल्चर तैयार हो जाएगा। फिर हमने चौथा फैक्टर इम्पोर्टेंट, सबसे उसका जो हमने अलग अलग तरीकों से अभ्यास किया वो सबसे महत्वपूर्ण है, वो है बायोमास। कि हमको इसके साथ बायोमास हम पैदा करते हैं तो हमारे को क्रॉप भी ज्यादा मिलता है और वो बायोमास के थ्रू हमारा क्रॉप प्रोटेक्ट होता है। अभी कॉटन में बहुत सुंदर प्रयोग हुए, हमारे तुअर में बहुत सुंदर प्रयोग हुए। वो बायोमास को आज हमने वहां पे हल्दी लगा के देखा, तुअर लगा के देखा, तो वंडरफुल रिजल्ट है उसके 2 साल में वो बायोमास के ऊपर। इस तरह से वो बायोमास चौथा फैक्टर इम्पोर्टेंट। तो मिट्टी में 4 फैक्टर इम्पोर्टेंट है, पहला गोपालन, दूसरा ट्री, तीसरा बर्ड और चौथा बायोमास। ये 4 में पूरा साइंस छिपा एग्रीकल्चर का। ये 4 की टेक्निक जिस दिन किसान समझ लेगा उस दिन वो सस्टेनेबल हो जाएगा, यानी प्रोडक्शन के मामले में। अब दुनिया में सब घबरा गए ये पेस्टिसाइड का अनाज खा के, जब वो इस तरह से करेगा तो उसको मार्केटिंग का भी चिंता नहीं होगा, क्योंकि दुनिया का बाजार तेजी से खड़ा हो रहा है। इस तरह से पहले सॉइल को करके वो प्रोडक्ट, अब सॉइल तो बन गया लेकिन मुझे प्रोडक्टिव इरिगेशन करना है। मैं ड्राईलैंड फार्मर हूँ, मैं इरिगेटेड फार्मर हूँ, तो मुझे ये पानी लगेगा। तो ये पानी को रोकने की स्कीम हमको इसके थ्रू तैयार करना है। इसके थ्रू हम कितना पानी रोक सकते हैं, 100% पानी हम रोकते हैं। अभी हम सिर्फ अनाज का पैदावार बोल के काम नहीं चलेगा कि मैंने अनाज की पैदावार निकाली या वेजिटेबल की निकाली, वो पैदावार है। सॉइल फर्टिलिटी मीन्स प्रोडक्शन, पेड़ लगाया इकोलॉजी पैदा की मीन्स प्रोडक्शन। 2% एरिया हमको सॉइल फर्टिलिटी में डालना पड़ेगा अपना कारखाना, वो कारखाना अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा तो बहुत टाइम जाएगा। 2% में सॉइल फर्टिलिटी,
ये 2% प्रोडक्शन है एग्रीकल्चर का, वो 10% तो इकोलॉजी, इकोलॉजी 10% में, तो इकोलॉजी 10% में है, ये प्रोडक्शन है एग्रीकल्चर का, क्योंकि सारे सजीवों की जरूरत है इकोलॉजी की, हवा नाक से हम जो हवा लेते हैं सबकी जरूरत है। अपने देश में 25 लाख लोग मर गए हैं, किससे? दूषित हवा से, लास्ट ईयर का डेटा है ये, कि 25 लाख लोग दूषित हवा से मर गए। इतना फास्ट ये जब हो रहा है तो आप सोचिए कि कितना भयानक स्वरूप हो सकता है इसका आने वाले कल। तो उनको प्रोटेक्ट करेगा वो हवा लेने वालों को जो नाक से लेते हैं, तो इसका वैल्यूएशन ये प्रोडक्शन में गिना जाए कि इसको, ये प्रोडक्शन वर्क है एग्रीकल्चर में फार्मर का। जब तक ये बात नहीं समझेंगे, तीसरा मैं बोल रहा था ये पानी 3% एरिया में प्लानिंग करना पड़ेगा हमको, 3% में वाटर का। अब ये वाटर टोटल एरिया हो गया 15%, 50% के थ्रू 85% सस्टेनेबल होगा हमारा। आज का जो प्रोडक्शन है वो कई गुना आगे चले जाएगा अगर हमने ये इसको प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया, तो ये प्रोडक्शन के थ्रू 85% का ये सस्टेनेबल फार्मिंग जिसमें हम पैदावार बहुत ज्यादा ले सकते हैं, इस तरह से हमको ये 15% इसका वैल्यू कैसा होगा? उसका रीजन ये, मैंने पेड़ लगाया, ये पेड़ बहुत बड़ा बन गया, इसके नीचे शेड के नीचे फिर मेरी फसल नहीं आएगी, लेकिन इसके भी हमने सोल्यूशन निकाल लिया, हल्दी है, अदरक है, ऐसी फसलें इसके नीचे ले सकते हैं जो बेहतर आती है और भी ज्यादा अच्छी आती है, तो वो भी लॉस नहीं है हमारा। लेकिन 10% मैंने इसके शेड के वजह से, जो इसका शेड गिरेगा वो 10% होगा, उसका जो कैलकुलेशन कितना किया पर एकर 5 ट्रीज मैंने उसका कैलकुलेशन किया, 5 ट्रीज उसका शेड कितना है तो 10% होता है, इसके आधार पर मैंने वो 10% बनाया। लेकिन मैंने अब ये पेड़ बना दिए हैं, तो मैंने ग्लोबल वार्मिंग के चैलेंज को स्वीकार कर लिया है कि ये मेरा चैलेंज है, मैं इसको स्वीकार करता हूँ। लेकिन मैं जब स्वीकार करता हूँ तो मेरे श्रम का सम्मान करना ये दायित्व है समाज का, कि फुकट में हवा न ले। अब 10% में इकोलॉजी और 3% में वाटर। अब इसका मैं डेटा बताता हूँ आपको, देखिए आपको जीने के लिए कितना हवा लगता है रोजाना, आप नेट पर सर्च कीजिए, आपको 5 किलो हवा रोज लगती है। आप दवाखाने में अगर एडमिट हो गए, आपको ऑक्सीजन चाहिए, तो ये 7-8 साल पहले का डेटा है मेरा, तब 700 रुपए की कॉस्ट हो रही थी जो मुझे चार्ज करते थे, 700 रुपए। तो 5 किलो मैं बीमार हो जाता हूँ और ऑक्सीजन की मुझे गरज है, तो वो 3,500 रुपए, यानी 3,500 रुपए तो एक वैल्यू हो गई सिर्फ मेरे जीने के लिए। अब 3,500 एक दिन में मुझे 5 किलो ऑक्सीजन लगता है, 3,500 इंटू 5 किलो, सॉरी 700 इंटू 5, तो वो हुआ 3,500 रुपए मंथ। एक महीने का अगर हम उसको काउंट करेंगे तो 3,500 गुणी 1,05,000, हम राउंड फिगर में 1,00,000, 12 महीने में 12,00,000 मुझे आज मुफ्त में मिल रहा है। लेकिन कल मुझे अगर मास्क लगाने की जरूरत होगी तो मुझे 12,00,000 पेड़ करना पड़ेगा, ये जो मेरी क्षमता नहीं, तब हमको अपने जीने के लिए, ये तो मेरी बात हो गई, लेकिन सारे सजीवों को कहां से मिलेगा मास्क? उनको सबको लगेगा, अगर उनको वो नहीं मिला तो कॉलेप्स हो जाएगा सारा सिस्टम नेचर का बनाया हुआ। तो मेरी जरूरत वो है, इसका वैल्यूएशन मेरे कॉस्ट के हिसाब से जो मैं ऑक्सीजन ले रहा हूँ उसका इकोलॉजिकल मुद्रा के रूप में 12,00,000 वैल्यू है। मैंने यहाँ 100 पेड़ लगाए हैं, 100 पेड़ इंटू 12,00,000, अब ये 100 पेड़ 12,00,000 को मैंने 2 बिंदु लगाया, 1,20,00,000 12 करोड़, 12 करोड़ का ऑक्सीजन मैं पैदा कर रहा हूँ 100 पेड़ के थ्रू। समाज से टैक्स लेना चाहिए मैं कहता हूँ, और डायरेक्ट फार्मर को कंपलसरी करना चाहिए कि तुझे पेड़ लग, लेकिन कंपलसरी कब? जब उसके श्रम का सम्मान कोई करना सीखेगा, डायरेक्ट उसके खाते में ट्रांसफर करो, एक भी किसान नहीं मरेगा और सबको हवा मिलने का एक सिस्टम पैदा होगा। मैं इसलिए कहता हूँ इसको प्रोडक्शन वर्क मिल लो, और इसका उपभोग जो कर रहे हैं उनका उनसे चार्ज दो आप 3% वाटर का। अब 3% वाटर का 80% एरिया डार्क जोन में चले गया है, इसको हमको हर नेचर से बहुत अवेलेबल है। अब मैं कहता हूँ मेरे यहाँ 100 सेंटीमीटर बारिश होती है, इस साल उसकी डेफिशिएंसी है, इस साल डेफिशिएंट है। अब मैं कितना पानी पैदा करता हूँ, इम्पोर्टेंट है कि
इसका ये स्तर हर जगह होगा, तब आप उसका पूरा एनालिसिस कर दी, उसका डेटा बनाइए कि ये देश में हम कितने जल्दी कितने लो कॉस्ट में पानी पैदा कर सकते हैं। लेकिन फार्मर को इसका 15% प्रोडक्शन का चार्ज देना होगा आपको, तब तेजी से सब इधर डाइवर्ट होंगे और सारे समाज की जरूरत पूरी होगी। एक सेंटीमीटर बारिश एक हेक्टर, इसके ऊपर जब बारिश का पानी गिरता है तो उसका मेजरमेंट होता है 1,00,000 लीटर। एक सेंटीमीटर एक हेक्टर 1,00,000, मेरे यहाँ 100 सेंटीमीटर बारिश होती है, पूरा टोटल एरिया 7 हेक्टर। मैं अभी इसको रोक रहा हूँ पानी, अब 7 हेक्टर में रोक रहा हूँ, 100 सेंटीमीटर बारिश हो गई, 1,00,000 के हिसाब से 100,00,000 होता है 1 हेक्टर में, यानी 7 करोड़ लीटर पानी मैं खेत में रोक रहा हूँ। इसका 20% बाष्पीभवन हो जाता है, 1,40,000 इसमें से माइनस किया तो 5,60,00,000 लीटर पानी मैंने ग्राउंड वाटर में कन्वर्ट कर दिया। सबसे बड़ा बेनिफिट क्या हुआ, मेरी 15 टन मिट्टी जो बह के जा रही थी सालाना, वो 15 टन मिट्टी से हो गई, पानी ग्राउंड वाटर में कन्वर्ट हो गया। तो ये 5,60,00,000 लीटर पानी कैसा है, मैंने इसमें कोई वीडिसाइड का इस्तेमाल नहीं किया, कोई केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं किया, किसी भी जहर का इस्तेमाल नहीं किया। ये 100% आपके बिस्लरी के बोतल में भी केमिकल रहता है, लेकिन ये प्योर पानी है, ये प्योर पानी को मैंने ग्राउंड वाटर में कन्वर्ट किया। अभी बिस्लरी का कितने का पानी मिलता है बोतल, 20 रुपए, इसको आपको 20 से ही गुना करना होगा, कितना हो गया, 110 करोड़ के ऊपर हो जाता है कैलकुलेशन में, 20×5=100 और ये 6×2=12, 110 करोड़ के ऊपर, 110 करोड़ का पानी मैं पैदा कर रहा हूँ जो पीने लायक है सारे सजीवों को, ऐसा पानी मैं पैदा कर रहा हूँ। तो क्या इसको प्रोडक्शन वर्क में नहीं लेना चाहिए, अब इंडस्ट्री को जरूरत क्या है पानी की, और सारे सजीवों को जरूरत है पानी की, किसान को जरूरत है पानी की, नदियां जोड़ने से पानी नहीं मिलेगा हमको, क्यों नहीं मिलेगा, अभी ऊपर से आपकी नदी बह रही है लेकिन ग्राउंड वाटर बहुत नीचे चले गया है, वो पूरा ऑब्जर्व कर लेगा ग्राउंड वाटर को नदी की, वो नदी सूखी की सूखी रह जाएगी, तो वो उसमें हम सक्सेस नहीं होंगे। हमको माइक्रो प्लानिंग बनाना पड़ेगा वाटर कंजर्वेशन के बारे में, ये माइक्रो प्लानिंग से हम 1 सेंटीमीटर का पानी 1 हेक्टर में 1,00,000 लीटर पानी को हम रोक सकते हैं। 1 सेंटीमीटर ड्रॉपिंग हो गया, 1,00,000 लीटर मेजरमेंट हो गया, 20% उसमें का बाष्पीभवन हो जाता है। इस तरह से हम लोग पानी के सहारे इसको बना सकते हैं, जब धीरे धीरे ये होगा तो इसको प्रोटेक्ट करने का एक सिस्टम डेवलप हो जाएगा, तो मेरे खेत के सारे बीज कंटिन्यू मुझे अच्छा प्रोडक्शन दे रहे हैं, कंटिन्यू प्रोडक्शन दे रहा है कंटिन्यू, इनको मैं 15-15 साल से 20-20 साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो वो बीज कुछ 20 साल के हो गए, कुछ 8 साल के हो गए, तो कंटिन्यू, क्योंकि मैं जब चना लगाता हूँ तो ये थर्ड फैक्टर चने पे हर फूल के ऊपर हनी बी, हर फूल पे हनी बी, हनी बी है यानी हर फूल का क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है तो उसका क्वालिटी बन रहा है। इस तरह से वो प्रोटेक्ट जब मैंने किया तब मेरी पैदावार अपने आप बढ़ने लगी, हर सीड के ऊपर हनी बी, चींटियां मकोड़े ये सब इसके ऊपर क्रॉस पॉलिनेशन का काम करते, उत्तम बीज फसल चक्र हम बात किए दोनों अब घूमते घूमते करेंगे आज। फिर ये 3 फुट के ऊपर से शुगर केन लगा, ये दोनों रोज के बीच में डिस्टेंस क्या है, अब इसमें हमने यहाँ पे नाली के बीच में इसको लगाया, बाद में भर दिया हमने, ये नाली के बीच में लगाया, बचा हुआ स्पेस इसके सेंटर से इसका सेंटर ये 12 फुट रखा, तो फिर उसके बाद में यहाँ पे डेढ़ आ गया, ये 3, 6, 9 और 3 बार, ये है शुगर केन, ये है शुगर केन, ये है ग्रीन मैन्यूर, ये है ग्रीन मैन्यूर, ये है शुगर केन, सेम डिजाइन यहाँ आएगी। पूरे देश में ये मॉडल होने जरूरी है क्योंकि हम पानी को बचा लेंगे,
अभी क्या चल रहा है कृषि में, थोड़ा सा एक आपको मेरे मन की बात कहूंगा। मोदी जी अपने मन की बात कहते हैं, मैं मेरे मन की बात तो मेरे मन की बात ऐसी है कि अभी एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट के नाम पे हम लोगों ने क्या लाया, ड्रिप लाया, क्यों लाया, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, ड्रिप लाया, स्प्रिंकलर लाया, फिर हम लोगों ने प्लास्टिक मल्चिंग लाया, फिर शेडनेट लाया, कितना प्लास्टिक हो जाएगा एक समय, आप ये सोचिए कि अगर ये प्रैक्टिसेस चलते रहे तो कितना प्लास्टिक हो जाएगा, यानी शहरों से भी ज्यादा प्लास्टिक खेतों में पैदा होगा। तो ये जो प्रैक्टिस है वो नेचुरल शेडनेट बोलते हैं, तो उसको हल्दी को जो एक तापमान चाहिए उसको वो तापमान कंट्रोल करके दे रहा है, इसीलिए उसकी ग्रोथ है, इसीलिए वो उतना सेफ है। तो हमको नेचुरल शेडनेट ऐसे पैदा कर, हमको पेड़ों से नेचुरल शेडनेट पर उसके बीच में ऐसा गन्ने का अगर मॉडल हो हमारा, तो ये गन्ना क्या करेगा, ये पैदा करेगा सॉइल फर्टिलिटी, ये गन्ना 100% पानी तैयार करेगा। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, बारिश के पहले अक्टूबर महीने में लगा देते हैं, अक्टूबर महीने तक हम पानी सिर्फ ये नाली में से देते हैं, तो पानी कितना सेव हुआ आपका, 12 फीट में सिर्फ ये और ये तीन है, यानी 75% हमने पानी का सेविंग कर लिया, यानी ड्रिप से भी कम, कैलकुलेशन किया तो ड्रिप से भी कम पानी उसमें लगा, यानी ड्रिप सोल्यूशन नहीं है हमको, उसके प्लानिंग सोल्यूशन है, तो ये प्लानिंग से हम लोगों ने उसको शुगर केन को लगाया। अब यहाँ पे फिर हमने ग्रीन मैन्यूरिंग लगाया, तो ग्रीन मैन्यूरिंग लगाते समय हम लोगों ने बारिश आने के पहले उसको पूरा लॉक कर दिया, शुगर केन को भी लॉक कर दिया, ये भी पूरा लॉक कर दिया, लॉक यानी हर 8-8 फीट के ऊपर उसको बेड को लॉक कर दिया। तो क्या होगा, अब ये इसकी डेप्थ नियर अबाउट 9 इंच डीप होगी, बारिश का आने वाला पूरा पानी रुकेगा। यही पानी का साइंस है कि वो पानी के वजह से शुगर केन की क्वालिटी बनती है नेचुरल फार्मिंग में, वो पानी कई प्रकार के वातावरण से लेता है, वो पानी फिर शुगर केन को सपोर्ट करता है। अब यहाँ पे पूरा 100% पानी आपका बारिश का रुक जाएगा, लेकिन शुगर केन के ऊपर कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा, शुगर केन वेल खड़ा रहेगा आपका। अभी केमिकल फार्मिंग में अगर पानी ज्यादा हो तो शुगर केन खराब हो जाएगा या खट्टा हो जाता है, लेकिन ये प्रैक्टिस में उसकी मिठास भी बढ़ती है और उसकी पैदावार भी बढ़ती है और सस्टेनेबिलिटी बढ़ती है, यानी पानी 100% उसने पैदा कर दिया। तो फिर ये 100% पानी तो अक्टूबर से मई लास्ट तक मैंने इसका इरिगेशन किया, अब अक्टूबर से मई लास्ट तक का इरिगेशन किया, हर इरिगेशन में एक एकड़ में मुझे इतने सिर्फ नालियों में देने के लिए 1 घंटा लगा, हर इरीगेशन और इरीगेशन में 1 घंटा, 1 सप्ताह में ठंड काले में सिर्फ 2 बार इरीगेशन किया, गर्मियों में हफ्ते में 1 बार किया। तो अक्टूबर टू अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी 2 टाइम यानी 10 टाइम मैंने इसमें इरीगेशन किया, 10 टाइम। यहां पे मार्च अप्रैल में 4 टाइम यानी 12 टाइम टोटल कितनी हो गई, पहले 10 टाइम फिर 12 टाइम, एवरी टाइम 36,000 लीटर मैंने ग्राउंड वाटर से वो पानी को निकाला एवरी ईयर। ये फर्स्ट ईयर का बता रहा हूँ, नेक्स्ट ईयर 50% आपका पानी कम हो जाएगा, ये फर्स्ट ईयर में लगने वाला पानी। तो 10 टाइम × 36,000 लीटर्स पर एकर, पर एकर यानी ये टोटल हो गई इसकी 360,000 लीटर पानी अक्टूबर टू फेब्रुआरी, मार्च टू मई 12 टाइम, ₹4,32,000 प्लस 3 लाख 100 ग्राम साइंटिफिक
वाटर एक घंटे में आप 5 हॉर्स पावर का जो मेजरमेंट है वो 36,000 ही भरता है, तो 8 लाख लीटर पानी मैंने इसमें का निकाल लिया, लेकिन मेरे 100 सेंटीमीटर बारिश होती है, इट मीन्स 80 लाख लीटर पानी मैंने सेव किया है, -8 लाख 72 लाख मैंने सेव किया पानी, ग्रीन मैन्यूरिंग दिया, इसकी सॉइल फर्टिलिटी बढ़ा दी ग्रीन मैन्यूरिंग की वजह से, फिर इसका लीफ निकाल के वो पूरा मल्च करूंगा वो, तो अगले 20 साल तक ये जगह पे ही रहेगा और मेरे से पैदावार देते रहेगा अगले 20 साल तक, मतलब रीप्लांटिंग की जरूरत नहीं, तो 20 साल तक आपका लैंड प्रिपरेशन का कॉस्ट खत्म, आपका इरिगेशन का कॉस्ट कम, क्योंकि वहां पर मॉइस्चर बना रहेगा, तो आपको ज्यादा से ज्यादा 4 या 6 पानी देना पड़ेगा, 4-6 पानी में आप ये गन्ना पैदा कर सकोगे, तो अब वो बात फिर से एक व्यापार है कि गन्ने पे हम रिस्ट्रिक्शन लाएंगे, हम ड्रिप कंपलसरी करेंगे, हम स्प्रिंकलर कंपलसरी करेंगे, वो करेगा वो ही गन्ना ले सकेगा, ये टेक्निक से ना तो आपको प्लास्टिक फैलाने की जरूरत है ना इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, ये सारा लोकल प्रैक्टिसेस में सिर्फ हमारे मेहनत के आधार पे, श्रम के आधार पे ये प्रैक्टिसेस में हम तैयार कर लेते हैं, 2% से हम इसको फर्टिलाइजर सप्लाई करेंगे, अब इसको फर्टिलाइजर क्या क्या सप्लाई किया, फर्स्ट ईयर 6 ट्रॉली हमने FYM दिया फर्स्ट ईयर ये प्रैक्टिस में, क्योंकि ऐसी लैंड चुनी जहां फर्टिलिटी नहीं थी, तो वो दर्रा बढ़ाने के लिए पर एकड़ ये जरूरत थी, और 2 ट्रॉली अलौकिक खाद वंडर खाद कहेंगे मैम की भाषा में, मैम की भाषा है वंडर खाद, वंडर खाद हम उसको पैदा करेंगे, 6 और 2,000 लीटर गो संजीवक खाद, ये टोटल इन्वेस्टमेंट है मेरा उसमें फर्स्ट ईयर का, ये इन्वेस्टमेंट का इसका वैल्यू कितना हो गया 12,000 4,000 का कॉस्ट बढ़ जाता है, और ये 0 कॉस्ट है, लेकिन हम मेहनत का 1,000 रुपीज, तो टोटल कॉस्ट 21,000 फर्स्ट ईयर गारंटेड 60 टन आपको उसका यील्ड मिलेगा, प्लस आपने जो पानी सेव किया है 70 लाख उसकी कॉस्ट, वो उसका वैल्यू कितनी है, फर्टिलिटी बढ़ाया उसका वैल्यू कितना है, तो गोबर खाद डाला हुआ वेस्ट नहीं गया, वो तो कंटिन्यू आगे प्रोसेस में आ गया जीव जीवाणु बढ़ाने के, इस तरह से 60 टन क्या रेट है गन्ने के अभी 2,000 अपन नीचे आएंगे 2,000 1,20,000 कोई नेचर को हमने डिस्टर्ब नहीं किया, डिस्टर्ब न करते हुए ये जो पहले 90 डेज है इसके इंसेक्ट को ये कंट्रोल करेगा यहाँ का ग्रीन मैन्यूरिंग, ये ग्रीन मैन्यूरिंग से इसके इंसेक्ट कंट्रोल होंगे, तो आज गन्ने में जो बहुत बड़े प्रॉब्लम हो रहे हैं वो प्रॉब्लम हमको ये सिस्टम में नहीं आता, अब उसका लीफ करके हमने डाल दिया, सेकंड ईयर हमने ये कॉस्ट हमारी खत्म हो गई 12,000 सेकंड ईयर इसकी जरूरत नहीं है आपको, आपको सिर्फ ये और ये सिर्फ इतना ही देना है इसको सेकंड ईयर में, अलौकिक खाद 2 ट्रॉली और ये देंगे, प्लस ग्रीन मैन्यूरिंग, ग्रीन मैन्यूरिंग का कॉस्ट भी हमने अगर देखा तो वो भी बहुत महंगा नहीं है, 1,000 रुपए में वो पूरा हो जाता है, इस तरह से 1,000 रुपए में वो हो जाता है, फिर काटने का खर्चा वगैरह सब मिला, तो टोटल कॉस्ट ये प्लस 21 प्लस 20 अदर कॉस्ट, टोटल कॉस्ट 41,000, इसमें से किया आपने माइनस, ये फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर आपका कॉस्ट नीचे आएगा, प्रोडक्शन 80 टन पे जाएगा, नेक्स्ट ईयर 90, फोर्थ ईयर 100 टन, क्योंकि उसकी बायोमास और फर्टिलिटी, अब ये इसका लॉजिक क्या है, पूरा रियल लॉजिक क्या है,
ये पूरा पैटर्न का रियल लॉजिक क्या है। इसका लॉजिक ये है कि नेचर ने, मैंने कहा कि सूर्य से निश्चित अंतर पर पृथ्वी का निर्माण किया, वो हमारे यहाँ उसमें शुगर पैदा करता है, उसको हमको ज्यादा से ज्यादा वो कैसे मिले, उसको हर पत्ते को कैसे मिले, तो हमने इतना जो गैप रखा है तो वो उसको पूरी सूर्य शक्ति बहुत ज्यादा मिलती है, हवा और सूर्य प्रकाश ये दोनों मिलने की वजह से इसकी पैदावार एकदम से बढ़ जाती है हमारी, और फिर वो 100 टन पर ईयर लो कॉस्ट, लैंड प्रिपरेशन का कॉस्ट इसमें बाद में लगता ही नहीं है। इस तरह से हम लोग सेकंड ईयर से हमेशा के लिए लॉन्ग टर्म तक सर्टेन। आपके एक्सपीरियंस में ये रो नॉर्थ साउथ होना चाहिए या ईस्ट वेस्ट होना चाहिए? ये रोस बनती कोशिश तो पूर्व पश्चिम होना चाहिए, ईस्ट वेस्ट। हाँ, ईस्ट वेस्ट। आप सिर्फ 8 लाख लीटर यूज किया है तो बाकी पानी क्या हो रही है? हमारे जमीन में इतना ग्राउंड वाटर नीचे चले गया है, ये अभी तो रोकते हैं तो पानी का पता ही नहीं चलता, वो किसी खेत में चले गया है वो नीचे से जमीन में, तो टोटली वो ग्राउंड वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन हमने पूरे तरफ इतना वो डेंजरस लेवल ला दिया है कि रोका तो मैंने है लेकिन मेरा पानी रोका हुआ कहाँ जाएगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन सबने अगर हमने रोका तो हर तरफ का पानी बढ़ेगा, इसीलिए हमें सबने मिलकर करने वाली प्रैक्टिस है। आजू बाजू के पूरे उनके रिचर्ड हो गए, आजू बाजू खेत वालों के, और अभी बहुत अच्छे रिजल्ट मिले, तो यही प्रैक्टिसेस हमको कॉटन में कर सकते हैं, यही प्रैक्टिसेस हम तुअर में कर सकते हैं, यही प्रैक्टिसेस हम इसमें कर सकते हैं। तो कॉटन तुअर ये जो अभी फिर हम जीएम के तरफ जा रहे हैं, बीटी के तरफ जा रहे हैं, लेकिन ये प्रैक्टिसेस से करते हैं तो अपना घर का ही तुअर का बीज आप देखो कैसा है, उसको फ्रूटिंग देखोगे तो वो जमीन के पैर लगती है, इतना उसका फ्रूटिंग आता है इसमें बाद में, तो ये प्रैक्टिस से हम सेव कर सकते हैं। लेकिन फर्टिलिटी के लिए हमें गोबर खाद की पहली जरूरत है, जहाँ नहीं है।